नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रखी गई आधारशिला। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया भूमि पूजन। पूरे देश के साथ भागलपुर में भी राम भक्तों में दिखा उत्साह। मिठाइयां खिलाकर लोगों ने मनाई खुशियां। मुंदीचक में आपसी विवाद को लेकर हुई झड़प में चला चाकू। 12 वर्षीय बालक हुआ घायल। कोरोना संकट को देखते हुए सादगी के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। जिलाधिकारी ने बैठक कर अधिकारियों को दिया निर्देश। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 99 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 3000 के पार। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण की पहली नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को रखी गई। इसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद सनातन धर्म के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसका लगभग 500 वर्षों से राम भक्तों को इंतजार था। अयोध्या में मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के बाद से ही राम भक्त जगह जगह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, दीप जलाकर एवं आकर्षक रंगोली बनाकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न मंदिरों में दिए जलाए गए और राम भक्तों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की। वहीं वारसलीगंज स्थित माघी काली मंदिर में श्री राम भक्त चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में 101 दिए जलाए गए। साथ ही भव्य आकर्षक रंगोली का निर्माण भी मंदिर प्रांगण में किया गया। इस दौरान चंद्र प्रकाश ने राम मंदिर निर्माण के लिए बलिदान देने वाले सभी राम भक्तों को नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरलता, साहस, संयम एवं त्याग का नाम ही श्री राम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां श्री राम के दिखाए मार्ग पर चले और राष्ट्र को विकसित एवं शक्तिशाली बनाए, यही आशा करते हैं। साथ ही मंदिर निर्माण की खुशी में मंदरोजा स्थित श्याम मंदिर, मिर्जानहाट स्थित संकट मोचन मंदिर, गौशाला एवं शहर के तमाम छोटे बड़े मंदिरों में राम भक्तों ने दिए जलाए एवं पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण भूमि पूजन को लेकर पूरे देश में राम भक्तों में खुशी का माहौल है और राम भक्तों की ओर से जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर वैरायटी चौक पर राम भक्तों की ओर से शुद्ध घी के बने लड्डू का वितरण किया गया। भगवान श्री राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने के साथ ही राम भक्तों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और लोगों के बीच मिठाइयों का वितरण कर राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने पर बधाई दी। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भगवान राम और भगवा रंग में रंगा रहा। अश्वनी जोशी मोंटी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद आज सभी राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है जिससे देशभर में राम भक्त और युवाओं में काफी खुशी का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए अपनी बलिदान देने वाले सभी पुण्य आत्माओं को नमन करता हूं। इस मौके पर कृष्ण झुनझुनवाला, बलराम झुनझुनवाला, जॉनी संथालिया, अनिल कंडेल समेत काफी संख्या में राम भक्त मौजूद थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भागलपुर में आप देख सकते हैं कि युवाओं हो चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, श्री राम की आस्था, श्री राम पर आस्था रखने वाले लोग आज अति उत्साहित हैं। हमारे अंदर यह एक इस ऐसी खुशी का आज संचार हुआ है जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए। आज के दिन मैं वैसे विश्व हिंदू परिषद और के लोगों को जो 500 वर्षों तक भगवान श्री राम के मंदिर बनने की लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे सभी मैं युग पुरुषों को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंदीचक में चाकू लगने से 12 वर्ष का बालक रोशन कुमार घायल हो गया। बता दें कि आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में रोशन को चाकू लग गई और बालक जख्मी हो गया। वहीं आरोपी युवक ने मौके पर एक महिला के साथ भी मारपीट की और उसे भी चाकू मारकर घायल करने का प्रयास किया, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपी राजा चौधरी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और उसे तिलकामांझी थाना के हवाले कर दिया। इधर घायल बालक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झगड़ा हो रहा था, हम तरबनिया मार के तो देखिए कहाँ झगड़ा में खड़ा था, उसको छोड़ा के मेरा गर्दन पकड़ के छुरी सटा रहा, छोड़ा के भागने लगा तो छुरी कट गया मेरा। कौन छुरी मारा? राजू तो दादू शराब। आप कहाँ से सब्जी लेकर आ रहे हैं? मार्केट से।
भागलपुर के समीक्षा भवन में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर डीएम प्रणब कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से हर साल आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम और फ्रेंडशिप मैच का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया। डीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में आयोजित होने वाले झंडोत्तोलन के मुख्य समारोह में बुजुर्गों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम की औपचारिकता पूरी करने एवं भीड़ जमा नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखने की बात कही। मुख्य समारोह के कई कार्यक्रमों को संशोधित करने की बात बैठक में कही गई। इस मौके पर नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी, एडीएम राजेश झा राजा समेत कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। जिले में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चल रहा कोरोना मरीजों का ग्राफ जिलेवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बुधवार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिले में 99 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि पड़ोसी जिला बांका से 20, मुंगेर से 64 एवं पूर्णिया से 65 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना से राज्य में सर्वाधिक 478 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बता दें कि भागलपुर में लगभग 3000 कोरोना के मरीज हैं। वहीं सूबे में कुल कोरोना संक्रमित मरीज 62000 के करीब हैं। राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य महकमा द्वारा लाख कोशिश करने के बाद भी कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में जनता को खुद जागरूक होकर कोरोना से जंग जारी रखना होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किए जाने को लेकर मुंगेर में भी उत्साह भरा माहौल रहा। कोड़ा मैदान सहित विभिन्न क्षेत्रों को भगवा झंडे से सराबोर कर दिया गया है। ऐसा माहौल है जैसे मुंगेर में ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल द्वारा मुंगेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया, साथ ही हनुमान मंदिर में पूजा भी की गई। वहीं संजीव मंडल ने कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास के सबसे सुनहरे दिनों में से एक है। साथ ही उन्होंने देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष अजीत कुमार छोटू, शंभू शरण सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मिठाई बन चुका है और वो पैकिंग हो गया है और पूरे मुंगेर विधानसभा के कोने कोने तक जो है प्रसाद के रूप में यह वितरण होने वाला है। इसके अलावा दिया, रुई, तेल, यह भी वितरण का कार्यक्रम मेरा पिछले एक हफ्ता से चल रहा है और आज शाम तक यह कार्यक्रम मेरा चलेगा और शाम में आप देखेंगे कि लगभग हर घर में आपको दीप जलता हुआ नजर आएगा। एकदम खुशी का माहौल नजर आएगा, एकदम आपको दीपावली वाला जो माहौल होता है वो आपको पूरे मुंगेर विधानसभा में देखने को मिलेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में 230 करोड़ रुपए की लागत से बने बाईपास सड़क पर टोल टैक्स सेवा शुरू होने के साथ ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ट्रक मालिक एवं चालक संघ ने टोल टैक्स वसूली का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और बाईपास सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों में धान के पौधों का रोपण किया। ट्रक मालिकों का कहना है कि गड्ढा रूपी सड़क के लिए मनमाने तरीके से टोल टैक्स की वसूली न्याय संगत नहीं है और इसको लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ की ओर से टोल टैक्स वसूली करने वालों पर रात में मनमाने तरीके से टोल टैक्स वसूली करने का आरोप लगाया गया है। भागलपुर नवगछिया ट्रक मालिक संघ अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक ने कहा कि बाईपास पर टोल टैक्स सेवा की शुरुआत करने से पूर्व सरकार को सड़क दुरुस्त करना चाहिए। बाईपास पर आए दिन जर्जर सड़क के कारण दुर्घटना होती रहती है, जिससे राहगीरों के साथ वाहन चालकों एवं मालिकों को भी कई बार जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। शुरू कर दिए हैं तो मनमानी ढंग से टोल लिया जा रहा है, मतलब है गाड़ी पर अगर अंडर लोड भी है तो उसको कहा जा रहा है ओवरलोड है, और ओवरलोड का बिना कांटा किए हुए उसका पैसा 700-800 रुपया लिया जा रहा है, जबकि बगल में 12 किलोमीटर बगल में एक और टोल है एनएचआई पर, इन्हीं का एनएचआई पर वो टोल है, और उसके बाद मनमानी ढंग से पैसा लिया जा रहा है। और हम लोग जिला प्रशासन से इसका मांग भी करेंगे कि भाई जब तक रोड नहीं पूरी तरह से बन जाए, जब तक रोड टोल नहीं लिया जाए। भागलपुर हावड़ा के बीच प्राइवेट ट्रेन चलाए जाने के विरोध में रेलवे कोचिंग डिपो के पास ईस्टर्न रेलवे मेस यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्राइवेट ऑपरेटर को ट्रेन परिचालन का कार्य सौंपे जाने के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भारत सरकार के साथ केंद्रीय रेल मंत्री से रेलवे के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सरकार रेलवे को बेचने का काम कर रही है, जो जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी है। साथ ही कहा कि यूनियन सरकार की मनमानी नहीं चलने देगी और आगे भी विरोध जारी रहेगा। भागलपुर पुलिस लाइन में कोरोना जांच को लेकर बुधवार को शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 125 महिला एवं पुरुष जवानों और अधिकारियों की कोरोना जांच की गई। जांच के बाद 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चिकित्सकों की टीम ने पुलिस लाइन में पूरी सतर्कता बरतते हुए बारी बारी से पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मियों की सैंपलिंग की और कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सुझाव भी दिया। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए SSP आशीष भारती के निर्देश पर पुलिस लाइन में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिससे समय रहते किसी भी कोरोना संक्रमित को उचित इलाज मिल सके। भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र के एक बगीचे में मंगलवार को अपराधियों ने गोलीबारी और बमबाजी की घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल जमीन विवाद को लेकर इलाके के दबंगों ने रहमत बाग के समीप दहशत पैदा करने के लिए ताबड़तोड़ गोलीबारी की। वहीं बच्चस्व को लेकर अंजाम दिए गए वारदात में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शाहजंगी मुखिया शबाना खातून का बेटा मोहम्मद तौशीफ बगीचे की सफाई करा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां आकर विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद उन लोगों ने बमबाजी और गोलीबारी भी की। वहीं बम विस्फोट की सूचना पर हबीबपुर, मधुसूदनपुर एवं ललमटिया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी शंभू कुमार ने बताया कि घटनास्थल से बम या गोली का कोई अवशेष नहीं मिला है। इधर मोहम्मद तौसीफ ने पुलिस को 4 नामजद लोगों के खिलाफ आवेदन देकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। भागलपुर जगदीशपुर पुलिस को बालू माफिया के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर बालू घाट से पुलिस ने बालू लोडेड 3 ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। अवैध रूप से बालू उठाव पर सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद बालू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से बालू का उठाव जारी है, जिससे सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। अवैध बालू उठाव का मामला अक्सर खबरों में भी छाया रहता है और ग्रामीण भी इसको लेकर सरकार एवं जिला प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है कि बालू माफिया अवैध बालू खनन का कार्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रखी गई आधारशिला, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया भूमि पूजन। पूरे देश के साथ भागलपुर में भी राम भक्तों में दिखा उत्साह, मिठाइयां खिलाकर लोगों ने मनाई खुशियां। मुंदीचक में आपसी विवाद को लेकर हुई झड़प में चला चाकू, 12 वर्षीय बालक हुआ घायल। कोरोना संकट को देखते हुए सादगी के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी ने बैठक कर अधिकारियों को दिया निर्देश। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 99 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 3000 के पार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।